नया ट्विस्ट ये है कि बच्चों ने सोचा है, अब बच्चे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बच्चों ने सोचा है कि सावित्री माई को वो सुधारेंगे। कैसे? तो मेरे हथियार जो है वो गायब कर दिए। हफ्ता लेने के लिए गई हूँ तो वहाँ पे रघु ने नालायक ने फ़ोन करके पहले ही बोल दिया कि दुकानें बंद रखो, तो हफ्ता भी नहीं मिला मुझे। और जो मेरी शराब की बोतलें जो हैं वो भी खाली करके रखी है। तो उन दोनों ने बीड़ा उठाया है कि सावित्री माई को वो सुधारेंगे, मगर उनकी गेम उन पर ही उलट गई। सावित्री और एक स्टेप आगे बढ़ गई और अटैकिंग हो गई। फिर रघु को उसको उसका घोड़ा मतलब बंदूक वापस देनी पड़ी और अभी आई हूँ मैं हफ्ता वसूलने के लिए। सावित्री फिर वापस घर में क्या नया धमाल मचाती है? मतलब सबको एक तरफ सावित्री एक तरफ और सब लोग एक तरफ, क्या नया ट्विस्ट आती है? भले सावित्री के अगेंस्ट कितने भी कोई भी आए, सावित्री ऐसी दमदार हैं कि वो सबके सामने टिक के खड़ी रहेंगी। ट्विस्ट तो आते रहेंगे और अच्छे अच्छे ट्विस्ट आएंगे, क्योंकि धनक भी हार नहीं मानेगी और रघु भी हार नहीं मानेगा और सावित्री तो बिल्कुल हार नहीं मानेगी। तो अभी ये है कि उनकी एक स्टेप है, उसके ऊपर मैंने अब एक स्टेप, अब देखते हैं अभी आगे और क्या क्या आता है। मैम इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इलेक्शन के बारे में बस यही कहूँगी कि भाई लोग जाके पहला अपना जो हक है उसको निभाओ, जाके वोट करो, क्योंकि फिर अरे यार ये पक्ष जो है वो अच्छा नहीं काम करता, वो पक्ष, फिर हमें बोलने का अधिकार ही नहीं रहता। आप अपना अधिकार पहले पूरा करो कि जाके पहले वोट करो, फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने अगर वोट किया है तो मुझे अधिकार है बोलने का। तो वोट तो करना चाहिए और मैं भी हर साल वोट कर, मतलब जब भी इलेक्शंस रहते हैं मैं वोट डेफिनेटली मैं वोट करती हूँ। शूटिंग भी नहीं रहती, हमारी इंडस्ट्री भी हमें सपोर्ट करती है कि उस दिन शूटिंग नहीं रखते और हम जाके वोट करते। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ घर से बाहर निकलो, छुट्टी मत मनाओ, जाके वोट करो।